गौमुख हिमालय की गोद से यहाँ जन्म लेती है। हजारों हजार वर्षों से भारतीय उपमहाद्वीप में जीवन को सींचने वाली नदी मां गंगा। हिमालय की वादियों में अटखेलिया करती हुई कई नदियों को स्वयं में समेटते हुई गंगा अविरत बहती जाती है। कई सौ किलोमीटर की यात्रा करते हुए हिमालय के अमृत तुल्य जल को समेटकर गंगा अपने विराट रूप को धारण करते हुए पहुंचती है। भारत की अति प्राचीन नगरी हरिद्वार, हरिद्वार किसी अन्य साधारण भारतीय नगर जैसा प्रतीत होता है, पर हजारों वर्षों से जीवित यह प्राचीन नगर भारतीय आस्था का अद्भुत केंद्र है। हिमालय में अटखेलिया करती गंगा यहां आकर शांत धीर गंभीर रूप धारण करती है, इसलिए हरिद्वार का एक नाम गंगा द्वार भी है। यह गंगा के रूप को देख लगता है जैसे हिमालय के लंबे सफर की थकान को मिटाने के लिए मां गंगा हरिद्वार में विश्राम कर रही हैं। हरिद्वार का एक पौराणिक नाम मायापुरी भी है। गरुड़ पुराण के इस श्लोक में कहा गया है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तय के मोक्षदायका। अर्थात अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी और द्वारावती ये सात मोक्ष प्रदान करने वाली नगरी है। यहां माया हरिद्वार को कहा गया है। रामायण और महाभारत में हरिद्वार को गंगा द्वार कहा गया है। यह प्राचीन समय से ही इस नगर के महत्व को बताता है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार में ब्रह्मकुंड में गिरी थी, इसलिए इसका जल मोक्षदायी माना जाता है। ब्रह्मकुंड पवित्र नगरी हरिद्वार का मुख्य घाट है। इसे हर की पौड़ी भी कहा जाता है। ये माना गया है कि यही वह स्थान है जहां से गंगा नदी पहाड़ों को छोड़ मैदानी क्षेत्रों की दिशा पकड़ती है। इस स्थान पर नदी में पापों को धो डालने की शक्ति है और यहाँ एक पत्थर में श्रीहरि के पद चिन्ह इस बात का समर्थन करते हैं। यह घाट गंगा नदी की नहर के पश्चिमी तट पर है जहाँ से नदी उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाती है। हर शाम सूर्यास्त के समय साधु सन्यासी गंगा आरती करते हैं। उस समय नदी का नीचे की ओर बहता जल पूरी तरह से रोशनी में नहाया होता है और याजक अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं। यहाँ हर 12 वर्ष में कुंभ मेले का भी आयोजन होता है। मकर संक्रांति के दिन शुरू होने वाला यह मेला कई शताब्दियों से हिंदू आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। कुंभ मेले को यूनेस्को अगोचर सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा प्राप्त है। 2019 के प्रयागराज के कुंभ मेले में रिकॉर्ड 20 करोड़ लोगों ने भाग लिया था, जिसमें एक दिन में 5 करोड़ लोगों के एक दिन में स्नान करने का रिकॉर्ड भी शामिल है। यह मानवों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण सम्मेलन है। माँ गंगा के प्रति अटूट आस्था हम भारतीयों की प्रकृति के प्रति कृतज्ञता के भाव को सटीकता से दर्शाती है। हरिद्वार ने हजारों वर्षों से सभी भारतीयों को अटूट आस्था के माध्यम से बांध कर रखा है और आने वाले हजारों वर्षों में भी हमें जोड़कर रखेगा। यहाँ आने पर यह ज्ञात होता है कि भारतीय सभ्यता का मूल विचार समभाव है।